वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त कामिक, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक ऐसा होम रेमेडी फुल बॉडी स्किन वाइटनिंग पैक लेके आई हूँ। ये पैक आपके स्किन को लाइट एंड ब्राइटन करने के साथ साथ इस पैक को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, जहाँ भी आपको डार्क एरिया लग रही हो, नेक, थाई या फिर कोहनी, कहीं भी आप इस पैक को यूज कर सकते हैं। इस पैक को आप अपने फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, 100% नेचुरल है। इसका रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। चूँकि आपकी स्किन को लाइट एंड ब्राइटन करने के साथ साथ आपकी स्किन से बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। आपकी स्किन को ये पुशअप लाइट ब्राइट करेगा, आपकी स्किन से डेड सेल्स की लेयर को ये बाहर निकालेगा, आपकी स्किन को ग्लोइंग और चमकदार बनाएगा। फर्स्ट एप्लीकेशन में ही आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छा फेस पैक है और आपके स्किन से जो डार्क स्पॉट है, ब्राउन स्पॉट है, वो रिमूव हो जाएंगे धीरे धीरे। तो ये फेस पैक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। 100% नेचुरल है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो आइए देख लेते हैं इस फेस पैक को बनाना कैसे है और कैसे लगाना है। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से फटाफट जल्दी से चैनल को कर ले सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक, क्योंकि आपकी एक लाइक मुझे मोटिवेट करती है ऐसी हेल्पफुल वीडियो बनाने के लिए। वीडियो को फटाफट जल्दी से कर दे लाइक, चैनल को कर ले सब्सक्राइब। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फुल बॉडी स्किन वाइटनिंग पैक बनाने के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले लेना है 1 चम्मच चावल। आप चावल कोई सा भी ले सकते हैं, चलेगा। मैंने यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच चावल ले लिया है। इसमें 1 कप मैं पानी ऐड करूँगी और ओवरनाइट के लिए इसे भिगोकर छोड़ दूँगी। उससे पहले आपको चावल को अच्छे से साफ कर लेना है, फिर आपको ओवरनाइट के लिए भिगो के छोड़ देना है इसे। चावल के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। स्किन के साथ साथ हमारे बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है, साथ ही साथ इसमें विटामिन, मिनरल्स, फॉलिक एसिड, बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं जो कि हमारी स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। ये हमारी स्किन से चूड़ियाँ, झाइयाँ, कालापन, ओपन पोर्स, ऑयल को कंट्रोल करती हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करता है। तो चावल हमारी स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। अब हमें इसके बाद क्या करना है, जो मैंने ओवरनाइट के लिए चावल भिगो के रखे थे, अब उसका पानी हमें एक बड़े बर्तन में हमें इस पानी को निकाल लेना है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे लेना है 1/2 टब साबुन। उसे हम ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लेंगे। अगर आपको डव साबुन सूट नहीं करता है तो आपका जो भी फेवरेट साबुन हो वो आप ले सकते हो। डव साबुन सभी को सूट कर जाता है अधिकतर, तो मैंने यहाँ पे डव साबुन लिया है। आपको जो भी अच्छा लगता हो आप ले सकते हो। मैंने जो ओवरनाइट के लिए चावल भिगो के रखा था उसका मैं पानी यहाँ पे छान लूँगी एक छन्नी की हेल्प से। और फिर इसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे 1/2 लेमन लेना है। आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो में जितना मैंने लिया है उतना ही आपको लेना है। उस लेमन के जूस को आपको पूरा इस पानी में निचोड़ देना है, पूरा रस इसमें डाल देना है। नींबू में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, जो हमारे स्किन से दाग धब्बे को रिमूव करता है, हमारी स्किन को लाइट एंड ब्राइटन करता है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर लेना है 1/2 चम्मच मिल्क पाउडर। इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, अच्छे से मिला लेना है। अब इसके बाद हमें इसमें ऐड करना है 1 चम्मच कॉर्न स्टार्च और उसके बाद हमें यहाँ पे 3 चम्मच ऐड करना है, जो ग्रेटर की हेल्प से मैंने साबुन को जो ग्रेट किया था डब साबुन, उसे हमें इसमें ऐड करना है, 3 चम्मच लेना है। अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, अच्छे से मिला लेना है, ये अच्छे से मिल जाए। अब इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें इसे लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए अच्छे से इसे पकाना है, अच्छे से बिल्कुल क्रीमी फॉर्म बन जाए इतना हमें अच्छे से इसे पका लेना है। ये चिपकना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ये इस बात का आपको ध्यान में रखना है। इसे चलाते रहना है,
जैसे एक क्रीम टेक्सचर रेडी हो जाए, जैसे कि आप लोग इस वीडियो में देख रहे हैं, 5 मिनट के बाद आप लोग इसे नीचे उतार लेंगे, बिल्कुल क्रीमी फॉर्म बनके पूरी तरह से रेडी हो जाएगा। ये हमारा फुल बॉडी स्किन वाइटनिंग पैक बनके हो चुका है पूरी तरह से रेडी। अब हम इसे नीचे उतार लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसे किसी खाली कंटेनर में स्टोर करके रख लेंगे। आप इस फुल बॉडी स्किन वाइटनिंग पैक को 1 वीक तक स्टोर करके रख सकते हैं, अच्छे से ये ख़राब नहीं होगा और इसका रिज़ल्ट भी आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। जब आप नहाने के लिए जा रहे हैं, जब भी आपको इसे यूज करना है, इसे अपनी बॉडी पे आपको 15 से 20 मिनट तक लगा के रखना है। जब ये ड्राई हो जाए, पूरी तरह से सूख जाए, फिर आपको नॉर्मल पानी से अपने फेस को, जहाँ भी आप इसे यूज करते हैं वहाँ भी आपको नॉर्मल पानी से आपको इसे धुल लेना है, अच्छे से साफ़ कर लेना है। आप इसके बाद देख पाएंगे इसका रिज़ल्ट आपको पहली एप्लीकेशन में बहुत ही ज़्यादा दिखेगा। आपकी स्किन को ये लाइट एंड ब्राइटन करेगा, आपकी स्किन की रंगत को निखारेगा। ये पैक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और जब इस पैक को आप हटा देंगे, उसके बाद आप कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र अपनी बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल अपनी बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं। इस पैक का रिज़ल्ट आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा, तो आप लोग ज़रूर बना के इसे यूज करिए, ज़रूर लगाइए। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को फटाफट जल्दी से कर दें लाइक और मुझे कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए और ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। और चैनल को फटाफट जल्दी से कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड कर लूँ उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगी। तो वीडियो को फटाफट जल्दी से कर दें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। मिलती हूं मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही ब्यूटी टिप्स ट्राई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।